होते हैं वो ना प्योर, जैसे कि गुड़हल होते हैं वो मैरीगोल्ड होते हैं ना, उसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए ये हाँ, और ये आपको पता है अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा खिलता है इतना, और ये प्योर ऑरेंज होता है, या ऑरेंज या कौन सा कलर बोलते हैं येलो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने वाइट प्लांट किया है, और देखिए यहाँ ये एलोवेरा है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और ये है मैरीगोल्ड। सो गाइस, अभी हम लोगों ने ना ये बैगन के बीज डाले, ये देखिए ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो आपको बैगन के सीड से देखिए छोटे छोटे प्लांट्स आ गए। यहाँ पे देखिए ये लग रहा है क्या कर रहा है, पार्क में, और ये ब्लैक फ्लिप कर रहा है, और ये पता नहीं क्या कर रहा है सब कुछ। और यहाँ पे हम लोगों ने तुलसी का प्लांट लगाया, इसके छोटे छोटे नीचे नीचे ग्रास आ गए, हम लोग ये तुलसी खा भी सकते हैं आपको पता है, ये देखिए। और ये बैगन हम लोगों ने आपको दिखाता था, और हम लोगों ने ना एक स्टैंड खरीदा था कि जब भी बारिश होता था ना तो वो भींग जाता था एकदम। देखिए दो दो स्टैंड खरीदे, पर इन दोनों के शेप भी सेम है, सिर्फ ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, सिर्फ यही डिफरेंस है। ये देखिए अच्छा बैठा, यहाँ पे थोड़े से मिट्टी जम गए हैं, वाओ। और यहाँ पे बाल है, वाओ। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने मैरीगोल्ड को सुखाया और फिर छिड़क दिया, और इतने बड़े बड़े प्लांट आ गए मैरीगोल्ड के। देखिए मैं इस पे ये पैकेट लगा देती हूँ, फिर हम लोग इस पे पैकेट भी लगा सकते हैं ऐसा जैसे हम लोग लगा रहे, तब और ब्यूटीफुल लगेगा, और जब बारिश होगा मिट्टी इसमें नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आप इसको निकाल के दूसरा फॉइल लगा सकते हैं।